हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। हरियाणा सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया है और साथ में एक कमाल की बात और भी हो गई है। यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और दोस्तों, CET का एग्ज़ाम 5, 6, 7 नवंबर को है। यदि आप हरियाणा की नंबर वन टीम क्वालिटी के मामले में के द्वारा रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर CET का रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और डेमो एक बार ज़रूर देख लीजिए, कोर्स लेना है नहीं लेना है वो आपकी इच्छा है। और दोस्तों, यदि आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, 30 टेस्ट 499 रुपये में CET के नए पैटर्न पर आधारित। इसके अलावा अपनी बुक भी आ गई है, जो हम हर शनिवार को ऑफलाइन टेस्ट लेते हैं, तो हमने शुरू के 15 टेस्ट को कंबाइन करके ये बुक बना दी है ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों के लिए। साथ में दोस्तों इसमें क्या कर दिया, एक्सप्लेनेशन भी डाल दी, सॉल्यूशन भी डाल दिया, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में है। अभी इस बुक के ऑर्डर चल रहे हैं, मंगलवार से डिस्पैच का काम स्टार्ट होगा। whichbookisbest.com से आप ये बुक मंगवा सकते हैं। whichbookisbest.com अपनी वेबसाइट है, यहाँ पर आपके लिए अनेक प्रकार की बुक्स अवेलेबल है। आप कोई भी बुक घर बैठे मंगवा सकते हैं, आपको कोई भी डिलीवरी चार्ज, कुरियर चार्ज नहीं देना। कोई भी बुक आप ऑर्डर कर सकते हैं, यहाँ पे अनेक प्रकार की बुक अवेलेबल है। किसी भी सब्जेक्ट की आप यहाँ से बुक मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं हरियाणा सरकार ने क्या बड़ा बदलाव किया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रदेश में अब नॉन HCS कोटे से कॉलेज प्रोफेसर बन सकेंगे IAS। हाँ जी, क्या सिस्टम है दोस्तों, कुछ समय में जो क्लास 1 के ऑफिसर हैं हरियाणा के विभिन्न डिपार्टमेंटों में, वो नॉन HCS कोटे से IAS डायरेक्ट बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी बदलाव क्या किया है वो मैं बताता हूँ आपको। प्रथम श्रेणी अधिकारी का दर्जा मिला है, 12 साल का इंतज़ार ख़त्म हुआ है। जो ये कॉलेज प्रोफेसर थे ना, ये जो कॉलेज प्रोफेसर थे हुड्डा सरकार के समय, इन्हें क्लास 1 का दर्जा तो दिया गया, शिक्षा विभाग के क्लास 1 का दर्जा दिया गया। ऑल ओवर हरियाणा में इनको वो सम्मान नहीं मिला जो क्लास 1 ऑफिसर को मिलता है, जो सारी सुख सुविधाएं मिलती है, ठीक है। यानी कि आधा अधूरा क्लास 1 का दर्जा दे दिया गया। यदि पूरा क्लास 1 होता तो ये HCS बन जाते, IAS बन जाते नॉन HCS कोटे से। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगी। हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में कार्यरत सहायक और एसोसिएट प्रोफेसर अब नॉन HCS कोटे से IAS बन सकेंगे। यहाँ पे किन किन को फ़ायदा हुआ है, जो सहायक है और एसोसिएट प्रोफेसर है, इन दोनों दो कॉलेजों को फ़ायदा हुआ है, ठीक है। इन प्रोफेसर को 12 साल के इंतज़ार के बाद प्रथम श्रेणी का दर्जा मिला है। इन्हें हरियाणा शिक्षा विभाग में तो क्लास 1 का दर्जा दिया गया था, लेकिन ऑल ओवर हरियाणा में इनको वो सुख सुविधाएँ नहीं मिल रही थी क्लास 1 वाली। उच्च शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव विजेंद्र कुमार ने 2 सितंबर को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। दो प्रोफेसरों, डॉक्टर विवेक भारती और डॉक्टर जिनेंद्र सिंह छिल्दर का नाम नॉन HCS कोटे से IAS बनने वाले 5 अधिकारियों की सूची में शामिल है। सरकार ने दिसंबर 2021 में 5ों नाम भारतीय लोक सेवा आयोग को भेजे हुए हैं। दोनों प्रोफेसर के नाम पर मोहर लगने में इनका प्रथम श्रेणी अधिकारी न होना आड़े आ रहा था। सरकार ने अब यह अड़चन दूर कर दी है। तत्कालीन CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने दूसरे कार्यकाल में कॉलेजों के वरिष्ठ लेक्चरर को 2010 में
असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर का पदनाम और प्रथम श्रेणी अधिकारी का आधा अधूरा दर्जा प्रदान किया था। उन्हें हरियाणा शिक्षा सेवा वन का सिर्फ कागजी दर्जा मिला था। वे प्रथम श्रेणी अधिकारी को मिलने वाली किसी सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते थे। 2 सितंबर को सरकार ने इन्हें 2010 से ही प्रोफेसर नामित करने के साथ सभी सुख सुविधाओं सहित प्रथम श्रेणी का दर्जा प्रदान किया है। अब इनको क्लास वन का दर्जा तो दे दिया है, ठीक है। अब दोस्तों एक कमाल की बात और निकल के आती है। सरकार ने 2 सितंबर को, अभी ये 2 सितंबर गई है परसों, 2 सितंबर को अधिसूचना जारी करी है और ये बोला है कि 2010 से 7 अक्टूबर 2010 से वो अधिसूचना, वो नया नियम लागू हो गया है। इससे क्या हुआ दोस्तों, जो ये पुराने अध्यापक थे 12 साल पहले वाले भी, इनको भी बेनिफिट हो गया है, ठीक है जी। तो ये हरियाणा सरकार ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है, शायद आप समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो एक बार वीडियो को रोक के इस चीज़ को आप ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।